नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज तहसील इकाई की एक आवश्यक बैठक कोसाईगंज बाजार में संगठन के कोषाध्यक्ष मानिक चंद गुप्ता की आवास पर आहूत की गई। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ एक कोष संगठित करने का निर्णय लिया गया, जो समय पड़ने पर पत्रकार हित में प्रयोग किया जा सके। पूर्वांचल प्रभारी तथा आजमगढ़ जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है, इसलिए समाज में घटित होने वाली किसी भी प्रमुख घटना पर दबने के बजाय पत्रकार अपनी कलम को अवश्य चलाए, तो सच्ची पत्रकारिता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कठोर कदम उठाना चाहिए। तहसील अध्यक्ष अनिल सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत शुक्ला, वरिष्ठ महामंत्री मकसूद आजमी, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, कोषाध्यक्ष मानिक चंद गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थित थे। इस बाबत क्या कुछ कहा पूर्वांचल प्रभारी तथा आजमगढ़ जिला अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। कुमार मिश्र जिलाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, आज गोसाईगंज बाजार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज इकाई की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे तहसील अध्यक्ष बड़े भाई अनिल कुमार सिंह जी ने किया। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जिला महामंत्री बड़े भाई मकसूद अहमद आजमी साहब, हमारे तहसील के महामंत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई प्रशांत शुक्ला जी, हमारे उपाध्यक्ष दीपक सिंह जी और तहसील के हमारे कोषाध्यक्ष बड़े भाई मानिक चंद गुप्ता जी भी, फरहान जी और हमारे तहसील के लगभग सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे। सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सर्वसम्मत से यह भी निर्णय लिया गया कि लालगंज इकाई में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें सारे पत्रकार भाई उसमें अपना यथासंभव सहयोग करेंगे। बहुत सारे बातें संगठन के मजबूत बनाने के लिए की गई और सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि हर महीने एक मासिक बैठक होगी, जिसमें सारे पत्रकार बंधुओं की समस्याओं पर चर्चा होगी और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष प्रयास किया जाएगा।